आप एक लैपटॉप लेने चाहते हैं लेकिन इस बारे में आपको जानकारी नहीं है ज्यादा कि कितने प्राइस में लैपटॉप्स आते हैं एंड मिनिमम कितने प्राइस में आप एक सस्ता एंड अच्छा लैपटॉप बाय कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है गाइस। सो हेलो, आई हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल गेमिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस। वैसे तो लैपटॉप के प्राइस ब्रांड्स कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको एंट्री लेवल के लैपटॉप्स को लेना चाहिए। ये लैपटॉप्स गाइस आपको 20,000 से 30,000 रुपीज में मिल जाते हैं, जिसमें आप कई तरह के जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया, ब्राउजिंग और इसके अलावा भी कई सारे काम आप कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पावरफुल वर्क करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड लैपटॉप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड लैपटॉप उतने पावरफुल तो नहीं होते हैं गाइस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैवी काम करना चाहते हैं, लाइट एडिटिंग, तो आप स्टैंडर्ड लैपटॉप को बाय कर सकते हैं गाइस और आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। एंड स्टैंडर्ड लैपटॉप्स आपको 40,000 से लेकर 60,000 तक मिल जाते हैं, तो आप इस प्राइस में उन्हें बाय कर सकते हैं गाइस। लैपटॉप में प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लाइट वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप i3 प्रोसेसर ले सकते हैं। नॉर्मल ब्राउजिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आप उसमें फील कर सकते हैं, काफी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा हैवी वर्क करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ और काम करना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा हैवी है, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको i5 लैपटॉप को परचेज करना चाहिए, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप मीडियम सेटिंग्स में गेम्स खेलना चाहते हैं तो फिर आप i5 प्रोसेसर ले सकते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तो नहीं रहेगा आपको गाइस, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, मतलब कि मीडियम सेटिंग्स में आप गेम को इन प्रोसेसर में भी खेल सकते हैं गाइस। अगर आप 4K वीडियो एडिट करना चाहते हैं, एनिमेशन वर्क करना चाहते हैं, VFX करना चाहते हैं, तो फिर आपको हाई एंड लैपटॉप्स i7 लैपटॉप्स की तरफ जाना चाहिए। ये काफी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप्स होते हैं गाइस, इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर होता है। एंड हाई सेटिंग्स में इनमें आप गेम प्ले कर सकते हैं गाइस और गेमिंग के लिए काफी अच्छे लैपटॉप्स हो जाते हैं गाइस। जब आप एक नए लैपटॉप को बाय कर रहे हैं तो आपको कई चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले एंड लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस। लेकिन गाइस अगर आप i7 के लैपटॉप्स लेना चाहते हैं तो इनका प्राइस 70,000 से 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 से भी ज्यादा हो सकता है गाइस। दोस्तों अगर आप अनश्योर हैं कि किस ब्रांड का लैपटॉप आपको लेना चाहिए तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख के पूरा वीडियो देख सकते हैं कि किस ब्रांड का लैपटॉप आपके लिए कैसा रहेगा। गाइस लैपटॉप्स को बाय करने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैक ओएस चाहते हैं तो मैक ओएस का लैपटॉप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज ओएस चाहते हैं तो विंडोज के लैपटॉप्स ले सकते हैं। मैक ओएस के लैपटॉप्स काफी महंगे मिलते हैं, विंडोज के लैपटॉप्स आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिलते हैं। एंड गाइस आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कितने बजट का लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के लिए। गाइस हमने ट्राई किया कि इसमें आपकी हेल्प हो सके, लेकिन अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के पता कर सकते हैं और जानकारी मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।